आज इम्मा ई बताइब कि जेकर जैसे जहां रात मौत हुआ कैसे चल के जात, कैसे कहां गया भैया, कहे गया तू मुरिया होइला गया यार भाई, तो तू बैठा आवा बबुल या देखा सिटी देला कि नहीं, या देखा था देला ना सिटी पे जावा देखा दूसरे मशीन जिन चला कर अपन चला कर दूसरे मशीन मगर खोज खोज करवा ना तो रचे यार और होवे करे बजाओ देखो आवा भूमिका का लाइन में कहना बका आएगी आए बाबू, अगर केहू दुनिया में इस धरती पर अगर जन्म लेले बा तो इहे एक सत्य बा, दो चीज बाबू सत्य रहेला, एक जन्म एक मरण। आए बाबू अगर जे केहू इस दुनिया में जन्म लेले बा तो का एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाए के पड़ी। आए बाबू केहू के कईरो ना कोनो बहाना धरा के केहू के एक्सीडेंट हो जाई, केहू के बीमारी का बहाना, कोनो न कोनो बहाना बना के मौत एक दिन सबको यहाँ से ले जाएगी एक एक करके। अरे बाबू बिरहा का लाइन में गजल का नमूना हो कैसे मास्टर, कहना बा
और कभी जी अपना कलम से संवरे बोले भाव में कैसे बाबू का कहा थे कुछ थे। अरे बाबू अगर ये दुनिया में जा आई हो तो उसका एक ना एक दिन जाए के पड़ी ये दुनिया छोड़ के। लेकिन बाबू कहानी के यही स्टार्टिंग बा, आखिरी कहानी है कैसन अब कहवा के हो नजम के भाव कहना गांव की धरती से आपके तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार प्रणाम बा। आए बाबू मौत जब चाही कोनो न कोनो बहाना लगा के अगर जहां मौत लिखल रही वहां कैसो न कैसो जरूर पहुंचा दे बाबू। कहूं घटना से बीमारी से है यो सुनत हुआ कि एक्सीडेंट हो जात हो ये मौत सब कुछ करावत है इधर उधर ले जाके कैसो न कैसो करके अपने पास खींच ले। आए बाबू यही से कहानी के स्टार्टिंग में बिरहा में तरज बा कैसे लगा चुपिया मोर कुंवरा बिरहा के प्रोपाइटर राज प्रेमी मौर्या जी पता लोढ़वा बैंक ऑफ बड़ौदा हनुमानगंज प्रयागराज की धरती से आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार प्रणाम आशीर्वाद की कामना बा। आवा भाव में कहना बका कि धर्म राज जी के
के एक सुगना टंगले रहलो। आए बाबू गौर करना, जब उस सुगा से हमेशा बोलत रहला, वही से खेलत रहला, ठिठोली करत रहला हमेशा, उस सुगा बड़ी प्यारा रहल हो। कैसे बाबू अंतरे के भाव में कहना बा, अरे पिजारे में, अरे पिजारे में बंद तोता बोले मीठी बोलिया, खेलत रहलन। एक दिन बाबू धर्मराज अपने यहाँ एगो सभा फनल बा, उस सभा में सब केहू के बुलावत हुआ। कैसे तर्ज के भाव में कहना बा, तर्ज इहे, अरे जब की मोर राजा की, हर एक देवी देवता के कैसे भाव में कहना बा, अरे खुदा इधर छोड़ के बांध के फिर महल में चला आवे। आप हम सदे आप ग्वाला म्यूजिक प्रोपराइटर नीरज यादव 40 नंबर गोमती फाफा मऊ वही स्टूडियो बा भैया के, बड़े भैया नीरज भैया जी के तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार प्रणाम आशीर्वाद के कहना बा। सब भैया लोगों को नमस्ते प्रणाम बा। जेका केहू के अगर स्टूडियो में भैया रिकॉर्डिंग करवावे कोई भैया से संपर्क कर लीजिए। आए बाबू जब कला की हर एक देवता अपन वाहन बांध के महल में चलाए, महल में सभा रखा करा, कैसे बाबू अंतरे के भाव में कहना, अरे हर एक देवता वाहन छोड़ के दुआरे, महल में चला जाई। ए बाबू सबसे आखिरी में यमराज अइलन,
और अपन वाहन बांध के बाबू जब जाए लगल महल में तो जात के तैया करत का आवा इही लाइन में। अरे सुगना को देखी मुंह से काया अमराज हो शंकर पटेल रघईपुर की धरती से ना आपके तरफ भैया बादल जी के जीजा जी आपके तरफ से पुरस्कार प्रणाम। अरे बाबू जब सबसे बाद में यमराज अलो जब अपन वाहन बांध के बाबू महल में जाए लगल तो जब सुगना हुए टांगा रहा मुहारी के वही सुगना के देख के बाबू बड़ी भयानक अंदाज में देख के मुस्कुरा दिल। अरे बाबू जब भयानक अंदाज सुगना देखे ये मुस्कुरा के महल में चला गए यमराज और सुगना बाबू उनकर मुस्कान देख के डराई गवा कि आखिर इतना भयानक अंदाज में देख के मुस्कुरैलन काहे। अरे बाबू बिरहा के लाइन में तर्जबा कैसे रहन गरुड़ जी कहा ही आखिर इतना का बात ये का इतना परेशान है का इतना फड़फड़ात है। अरे बाबू गरुड़ जी देखे और गरुड़ जी पूछत हो कि काहे भर इतना फड़फड़ा था का बात काहे डरा था पूछत हो कैसे मास्टर। अरे पूछे गरुड़ परेशान के करनवा सदैव सुदाम
चंद साहू धमैया की धरती से आपके तरफ से क्या रुपए का पुरस्कार प्रणाम आशीर्वाद से कामना बा। सब भैया लोग नमस्ते प्रणाम बा। कैसे अरे सुगना कहे संकट में जब गरुड़ जी पूछे सुगना से कि आखिर इतना फड़फड़ात काहे है, हाँ का बात यह है, काहे पर इतना डरा हुआ नजर आवत है। सुगना कहा ये वही यमराज अंदरवा गए हाँ, हमें बड़ी भयानक नजर से देख के बाबू मुस्कुरा, हमें वही मारा डर लगत बा कि इतना भयानक अंदाज में देख के मुस्कुरा काहे बड़े लागत बा हमार मतलब प्राण संकट में पड़ल हो, यही से देख के मुस्कुरात हो। आपका नाम बताए ना? आप श्रद्धेय आप अशोक चंद्र विश्वकर्मा, आपके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार प्रणाम आशीर्वाद की कामना बा। आए बाबू सुगना कहा लागत बा हमार प्राण संकट में बा। आए बाबू जी जब इतनी बतिया गरुड़ जी सुन लो कहले टेंशन जिला तो ऐसा जगह हम छोड़ देव कि यमराज पहुंचबे जी करही। बिरहा में टेरी के भाव कैसे जरे में फड़ फड़ाए सुगना, अरे पिजड़े में फड़ फड़ाए सुगना कि डर से कांप गया रहा रह के दिल, डर से कांप गया रहा रह के दिल घबराए पिजड़े में फड़ फड़ाए सुगना। आए बाबू उस सुगना डर के मारी फड़फड़ात हो, गरुड़ जी कहा शांत रहा हम तो वहाँ ऐसा जगह लेके छोड़ देव कि जहाँ यमराज का भवन पहुंची ही कहा ठीक बा। पहपड़ के लाइन में बाबू गरुड़ जी करत का है आई कहे गरुड़ जी बैठा मोर पिठाई खतरा ना हो रे, धोखा दे पर्वत पर पहुंचाए हो, अरे सभा विसर्जन से पहले गए आई खतरा ना हो, अरे सभा विसर्जन से पहले गए आई खतरा ना हो, गरुड़ जी सोचई हम हुकिया भला से सुगना के पिजड़ा खोल के बाबू पिठाई बिठा लेला और थोड़ी देर में नीलगिरी पर्वत पर लगे छोड़ के चला है। एहर सभा विसर्जन होत बा ओकरे पहले आए कि गरुड़ जी अपने स्थान पे फिर आए बाबू सभा विसर्जित हो गया। सब लोग सभा से जब बाहर आवे लगला महर से बाहर आवे लगला तो होत का बहाय आल्हा के बाव में कहना बका नागेश्वर पटेल आप सब भैया
अपना श्रद्धेय आप नागेश्वर पटेल आपके तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त आशीर्वाद की कामना बा। सभा भाई बिसर जान देवता, सभा भाई बिसर जान देवता, बाहर कुली आइले सर्जत हो गई, सब देवता आवाई अपन वाहन लेके चल दे, लेकिन जब यमराज बाबू आईला तो सबसे पहले हुई पिजड़ा पर ध्यान गईल, देखत हुआ कि उम्मे त सुगना है ये ना बा। यमराज पूछ बैठन कि आखिर अभी जब सभा में हम जात रहे ती पिजड़वा में के सुगना रहा, अब अभी की सुगनवा गवा कहाँ, गरुड़ जी मतलब दर नहीं बतावा थे कि कहाँ छोड़ के आई है। गरुड़ जी कहा है कि सुगना, अब भाई जब तू अंदर जात रहा था तो हर मुस्कान देख के बड़े घबराई गया रहा, उस सुगना के देख के हम बड़ी दूर छोड़ के आए, अब ओका तू ना बाबा हम बहुत दूर छोड़ के आई है। तब यमराज बतावे लागे कि आखिर हम सुगना के देख के मुस्कुराए काहे बरे रहे। मुलायम सिंह पटेल इसी गाँव की धरती से आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार प्रणाम आशीर्वाद की कामना बा। छोड़ता है बाबू खड़ी कलाइन में कहना बका कि हंसे सोच के आप श्रद्धेय आप राम बाबू पटेल मुगरा बादशाहपुर की धरती से रामपुर की धरती से आपके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार प्रणाम आशीर्वाद की कामना बा। खड़ी का लाइन में कहना बाबू कि आखिर हम मुस्कुराए काहे भरे रहे कैसे। आधा घंटा के या
धरती से आपके तरफ से 51 प्रकार पुरस्कार प्रणाम बा। आप श्रद्धेय आप रामनाथ मिस्त्री आपके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार प्रणाम बा। आप हम सदे आप नागेश्वर कुमार पटेल सदहुकपुर की धरती से आपके तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार प्रणाम बा आशीर्वाद की कामना बा। सब भैया लोग नमस्ते प्रणाम बा। आप हम सदे आप शमशेर बहादुर पटेल गड़ौर फूलपुर प्रयागराज की धरती से आपके तरफ से 31 रुपए का पुरस्कार प्रणाम बा। ए बाबू यमराज बतावे लगला कि वही हम जात रहे तो काहे बड़े मुस्कुराने हैं। कहा है भाई हम जात रहे तो यही देख के मुस्कुराने हैं कि हिया कैसे पड़ा बा। अब वही आधा घंटा के अंदर एकर मौत नीलगिरी पर्वत पे लिखा बा, बिल्ली एकर ऊपर धावा बोले बा तो हिया कैसे पड़ा बा। यही सोच के हम मुस्कुराने हैं। आए बाबू इतनी बतिया जब गरुड़ जी सुन लो तो कला बारे हम तो का वही पहुंचा के आवत हैं। कला की हमारे मन न तो कोनो दोस्त बा न तो कोनो और के दोस्त बा। ये सिर्फ काल जहां जेकर रहे ला बाबू हुआ कैसो न कैसो खींच के ले जात हो। आहे बाबू उस सुग्गा के ले जाके गरुड़ जी नीलगिरी पर्वत पे छोड़े रहे न आधा घंटा के अंदर उस सुगना के बाबू मौत हो गई। यही से कहना बा बाबू जेकर जहाँ मौत लिखी रहा था वहाँ कैसो न कैसो पहुंची जात हो। बोला दादा आप हम सदे आप स्वर्गीय शोभनाथ पटेल आपके तरफ से 31 रुपए का पुरस्कार प्रणाम आशीर्वाद के कामना बा। छोड़ के आई गया जहाँ कर मौत लिखी रही। आई बाबू जेकर जहाँ मौत रहला वही कैसो न कैसो बस पहुंच जात हो। अंतिम और आखिरी लाइन में उड़ान के भाव में कहना बा गुरु घराने के परिचय कराओ तो बिटिया कैसे अरे सबसे है चला के मौत ही अब कोई नहीं बच पाए। रुकी कलम कवि संतोषी की धर्म राज यार था अरे पिजरे में फल फलाए सुगना अरे पिजरे में फल फलाए सुगना है कि मौत लिखिया।